देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जनरेशन में जहां पर विज्ञान कहता है कि भूत पिशाच नहीं होते, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब चीजें आज भी दुनिया में मौजूद होती हैं। इनका नामो निशान कहीं ना कहीं आज भी पाया जाता है। केरला की ये कहानी बयां करती है कि सच में भूत पिशाच होते हैं और इनको देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। ये हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ ही हुआ था, जिसको जब भी मैं आज महसूस कर लेता हूँ तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीग जाता है और मेरे अंदर डर के बादल मंडराने लगते हैं। दहशत का मैंने एक ऐसा कहर देखा था जिसको अगर कोई नॉर्मल या कमजोर दिल वाला इंसान देख ले तो फिर उसका मर जाना तय है। तो आइए जानते हैं ये कहानी बेहद ही करीब से। दोस्तों, ये तब की कहानी है जब मैं लैब असिस्टेंट की नौकरी कर रहा था और उस नौकरी के अंदर मुझे लैब के अंदर काम करना पड़ता था और इधर उधर की चीज़ों को वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट के हाथों में देना पड़ता था। वो क्या था कि मैं इन दोनों नया नया ही ज्वाइन हुआ था, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, इसलिए मैं काफ़ी फोकस करके इन चीज़ों को देखने की कोशिश करता था। हालांकि मैंने ट्रेनिंग तो की थी, लेकिन फिर भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैं समझ नहीं पाता था और उनको समझ पाने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाता था। ये कहानी है 16 तारीख की, जब मैं अपने ऊपरी अधिकारी के साथ लैब के अंदर काम कर रहा था। काम करते करते मेरे उस अधिकारी ने बताया कि हमारे इस जनरेशन में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और उन्होंने भी इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में खूब सुना है, लेकिन आज तक उन्होंने इन चीज़ों को देखा नहीं। हम सिर्फ उनकी बातें नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। जैसे जैसे हम इन बातों को आगे बढ़ाते जा रहे थे, तो वैसे वैसे मैं इन चीज़ों के अंदर रियलिटी देखने लगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों के साथ भी भूत प्रेत का किस्सा हो गया था। इसलिए मैंने अपने उस अधिकारी को बताया कि मेरे पूर्वजों के साथ इस तरह की घटना हो गई है। जब उन्होंने मेरे मुँह से ये बात सुनी तो उन्होंने उसे झुठला दिया और कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उनकी ये बात सुनने के बाद मैं थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों की बातों पर पूरा यकीन था और मैं ये बात अच्छे तरह से जानता था कि जो भी मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और अपना पूरा काम करने के बाद वहाँ से निकलने लगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ से निकल रहा था तो उस मयंक नाम के एक अधिकारी ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे जयेश रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो आज तुम मेरे साथ चलकर एक कॉफ़ी शेयर कर लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया, हालांकि मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी हो रही थी कि एक बड़े अधिकारी ने खुद मुझे कॉफ़ी पर जाने को कहा था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसके बाद मैं उसके साथ साथ वहीं से थोड़ी दूर आगे पड़ने वाले रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। शायद वो मुझे ये बात समझाना चाहता था कि विज्ञान के स्टूडेंट इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। हमारी लैब के अंदर ऐसा ही होता था, जो भी बड़े अधिकारी से कुछ अटपटी बात करता था तो वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते थे। फिर कुछ देर तक तो आपस में बातचीत होती रही और उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जिस वजह से अब मुझे अपने घर के लिए भी देरी हो रही थी। लेकिन जैसे मैं बस स्टॉप पर गया तो मुझे पता चला कि आज तो हमारी बस निकल गई थी। और जैसे मुझे ये पता चला कि बस निकल गई है तो मुझे तो ज़ोरदार झटका लगा। उसके बाद वो अधिकारी भी वहाँ से निकल गया, इसलिए मैं तो पूरी तरह से हैरान हो गया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि लैब की चाबी मेरे पास ही थी तो मैं आज रात को लैब के पास वाले छोटे कमरे में भी रुक सकता था। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में कुछ बातों ने बसेरा डालना शुरू कर दिया। कुछ लोग बताते थे कि उस लैब के अंदर भी भूत पिशाच भी रहते हैं, लेकिन किसी भी विज्ञान के आदमी ने उस लैब को भूतिया साबित नहीं किया था। उनका कहना था कि केमिकल की चीज़ों की वजह से बाहर आवाज़ आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मैं भी इन चीज़ों को बेतुकी समझने के बाद उस लैब के पास जो कमरा पड़ता था मैं उसके अंदर चला गया। और मेरे पास लैब की चाबी रहती थी तो मैं आराम से उस लैब को खोलकर उसके अंदर चला गया। हालांकि मुझे उस वक्त काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए मैंने उसी वक्त ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था। लगभग आधे से एक घंटे के बाद मुझे वो खाना मिला और मैं उस खाने को लेकर सीधा उस कमरे के अंदर आ गया जिसके अंदर मैं रुका हुआ था।
फिर कुछ देर तक तो इंतज़ार करने के बाद मुझे अब नींद आने लगी थी। पहले तो मैंने नेटफ्लिक्स पर थोड़ा सा मोबाइल देखा और उसके बाद जब मुझे ज़ोर से नींद आ रही थी तो मैं सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा और वहाँ पर लेट गया। तभी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गरम गरम जिस्म के ऊपर कोई अपने ठंडे ठंडे हाथ फिरा रहा था और ये सनसनी इतनी ज़्यादा अजीब थी कि मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे और मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने अपनी आँख खोल कर इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इस अजीब से दृश्य को महसूस करके मैं अपनी जगह से उठा और इधर उधर देखने लगा लेकिन वहाँ पर मुझे फिर से कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं पहली बार इस जगह पर रुका हुआ हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता होगा और इतना सोचने के बाद मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और मैं वापस आकर अपने बेड पर सोने के लिए जा रहा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर जाकर कोई बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं किसी तरह जाकर उस बेड के ऊपर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके सोने लगा लेकिन फिर एक बार किसी आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई दरवाजे को धीरे धीरे खोल रहा था और इस बार मैं अचानक से उठकर खड़ा हो गया और फिर जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि दरवाजे के पास मुझे एक औरत खड़ी हुई नज़र आ रही थी और उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस औरत के चेहरे के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो। एक बार के लिए तो मैं पूरा डर से कांप उठा था लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी आंखों को मलने लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जब मैं अपनी आंखों को दो तीन बार खोलकर फिर से सामने के दरवाजे की तरफ देखा तो चांद की उस हल्की फुल्की रोशनी में अब मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब यहाँ पर मुझे नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए तो उस ठंडी रात में मैं वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई लेकिन जैसे मैं बाहर गया तो फिर एक बार मैं डर से पूरा सुन्न हो गया। मैंने देखा कि मुझे उस लैब के बगल वाली दीवार के ऊपर एक औरत खड़ी हुई नज़र आ रही थी जो ऊपर से होते उस लैब के अंदर झांक कर देख रही थी। मुझे उसका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि ये तो वही औरत थी जो कि कुछ देर पहले इस कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे देखते मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई तो भला है और मुझे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से अपने कमरे के अंदर घुस गया और कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। इस भयंकर ठंड के अंदर भी मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया था और मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग भी अब काम करना बंद कर चुका है और ना जाने क्यों लेकिन मेरे दिमाग में काफ़ी अजीब अजीब से ख्याल चल रहे थे और कुछ देर तक तो मैं यही सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से पैदल भी भागना चाहिए क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। जब मैं दरवाजे को खोलने के लिए फिर से दरवाजे के पास पहुंचा तो इस बार मैंने महसूस किया कि दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया था और अब मैं सिर्फ अंदर अंदर कैद होकर रह सकता था। और इतने में मुझे अपने पीछे से किन्हीं दो पायलों की छनछन की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा संकट मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो। फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि एक महिला वहाँ पर नाच रही थी और उसकी ये करतूत देखकर फिर से मेरा गला सूखने लगा और मैं पीछे हटने लगा। और एक बात तो अच्छी तरह से मुझे समझ में आ गई थी कि यह महिला इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इससे बचने के लिए मुझे कोई अच्छा रास्ता ढूंढना होगा। फिर उसके बाद मैंने उस दरवाजे को फिर से पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की लेकिन वो बाहर से लॉक हो गया था और ऐसी हालत में मैं सिर्फ इस औरत के हाथों मर सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस दरवाजे को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगा। शायद उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी और उस मजबूत दरवाजे का लॉक एकदम से ही टूट गया और अंदर की तरफ धस गया।
जिस वजह से मैंने उस दरवाजे को खींचा और उसके बाद बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि अब बाहर की तरफ से रास्ता पूरा साफ था और अब अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकता था। बाद में जैसे ही मौका मिला तो मैंने फिर से वहां से भागना शुरू कर दिया। दरअसल मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था और इसलिए मेरा भागना वहां से आसान हो गया था। जैसे मैं वहां से निकलकर भागा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर किसी ने 50 किलो का वजन रख दिया हो। मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे और मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहा। हालांकि मेरी हिम्मत तो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर भी मैं लगातार दौड़ता ही जा रहा था और कुछ देर के बाद मैं उस लैब से करीब आधा किलोमीटर आगे आ गया। लेकिन मेरे पैरों में अभी भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही महिला थी जो कि कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी। उस महिला को अपने पीछे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मैं खतरे की घंटी को अपने सर से नहीं टाल सकता और मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। वो महिला मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई थी, जिसको अपने से अलग कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तभी मुझे कुछ सूझा और उस जगह से आधा किलोमीटर आगे पड़ने वाले एक कान्हा जी के मंदिर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद कान्हा जी के मंदिर के अंदर जाने की वजह से ये आत्मा मेरा पीछा छोड़ देगी। इसलिए मैंने अपने पैरों को उसी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और तेज गति से उस मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर की दूरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे हाथ पैर बीच में ही मेरा काम करना बंद कर देंगे और मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। मेरा शरीर ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि अब सुबह हो चुकी थी और मैं सड़क पर गिरा हुआ था। शायद वहाँ के लोगों को लगा होगा कि मैं शराब के नशे में धुत होकर वहाँ पर गिरा हुआ हूँ, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि मेरी जान बच गई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बाद में मैं सीधा मंदिर में चला गया और फिर मैंने मंदिर के पुजारी को रात में हुई घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उस आत्मा का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन अब दोबारा तुम वहां पर कभी मत जाना। और उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अब मैं सही सलामत हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।